We will start from question number 3 of exercise 4.3. In an AP, first part में आपको A की value, D की value और AN given है. A की value है 5, D की value 3 and AN की value कितनी है? 50. Find क्या करना है हमें? N and SN. अब सबसे पहले हमें क्या given है? AN. AN की value है 50. अब AN की value हमारे पास है, A की भी है, D की भी है, N की निकालनी है. तो सबसे पहले an का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी विच इज इक्वल्स टू 50. अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5. प्लस n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल्स टू 50. अब प्लस 5 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5. तो 50 माइनस 5 कितना आ गया? 45. अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो 45 बाय में 3 कट करके कितना हो गया? 15. अब n की वैल्यू कितनी आ गई? 15 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ आके प्लस हो गया 16. तो डेट मीन्स n इज इक्वल्स टू 16. अब एक चीज़ तो आ गई हमारे पास n की वैल्यू, सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें? Sn. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पर लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है कितनी है? 50. अब वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिंपल एन बाय टू. अब निकालनी है एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 16. तो जहाँ एन है वाक्य पुट कर देंगे 16. टू ए, टू इन टू ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3. अब 2 8 जा 16, 8 आ गया, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 3 जा 45. अब 8 मल्टीप्लाई 45 प्लस 10 कितना हो गया? 55. अब 55 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 400. 40, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 5 ज़ा 40 और 4, 44. ठीक है, बस A, D, AN हमारे पास है. N निकालने के लिए AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि AN में A, N और D तीन वैल्यूज़ की नीड है, और हमारे पास टोटल तीन वैल्यूज़ हैं, फोर्थ वैल्यू निकालनी है. तो वो वहाँ से N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 16. उसके बाद क्या निकालना है? SN. SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसमें सभी वैल्यूज़ पुट अप कर दी. वैसे S16 कितना आ गया? 440. तो N की वैल्यू 16, SN की वैल्यू 440. ये हो गया हमारा आंसर. अब सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? A की वैल्यू 7 है, A 13, 35. फाइंड आउट क्या करना है हमें? D और S13. अब सबसे पहले A 13 हमारे पास कितना है? 35. A 13 का मतलब क्या होता है? A प्लस 13 माइनस 1 12D विच इज इक्वल्स टू 35. अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7 प्लस 12d एज इट इज इक्वल्स टू 35. अब 12d कितना हो गया? प्लस का 7 है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस. 35 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 28. तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 28 बाय में 12. 4 के टेबल पे कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28. तो d कितना आ गया? 7 बाय 3. तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी, D की वैल्यू कितनी? 7 बाय 3. एक आंसर आ गया. अब निकालना क्या है? S13. अब इसमें भी आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. अब हमें निकालना है S13. तो उस केस में जो हमारी लास्ट टर्म होगी क्या हो जाएगी? A13. क्योंकि जब हमें SN निकालना होता है, SN के केस में जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है? AN. तो S13 निकालना है, तो S13 के लिए जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? A13. तो आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n बाय 2 a प्लस लास्ट टर्म. ठीक है, n का मतलब क्या है यहाँ पे? 13. क्योंकि 13 जितनी भी टर्म्स का हमें सम निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा? n. 13 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस लास्ट टर्म मतलब A13, वो कितनी है हमारे पास? 35. अब 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42. कैंसिल आउट कर दिया, 21. अब 13 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया?
73। अगर आप दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा 273। तो बस आप इतना ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज एस 13 निकालना है तो उस केस में लास्ट टर्म होगी हमारी ए 13। जो सी भी n होगी वही वाली ए एन हमारी लास्ट टर्म होगी, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, ए 12 की वैल्यू है 37, डी की वैल्यू 3, फाइंड करना है ए एंड एस 12। सेम सेकंड पार्ट की जैसा है, बस उसमें आपको ए गिवन था डी निकालना था, इसमें डी गिवन है ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम करेंगे। ए 12 की वैल्यू कितनी है 37, ए 12 का मतलब क्या होता है ए प्लस 11d इक्वल्स टू 37। ए की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 विच इज इक्वल टू 37। ए प्लस 11 थ्री जा 33 प्लस 33 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब क्या निकालना है एस 12। अब सेम एस 12 है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी हमारी ए 12, और ए 12 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो एस 12 का फॉर्मूला पहले आप एस एन राइट करोगे। एस एन का फॉर्मूला एन बाय 2 ए प्लस एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस 12 का मतलब क्या होगा, एन का मतलब हो गया 12 बाय में 2, ए का मतलब फर्स्ट टर्म डेट इज आवर 4, लास्ट टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी 37। आप मेंशन भी कर सकते हो हियर एल इज इक्वल्स टू ए 12। ठीक है, तो 12 टू के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 इंटू 37 प्लस 4 41, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 246 एस 12 आ गया। तो बस फाइनली ए और एस एन की हमारी वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है, ए 3 की वैल्यू है 15, एस 10 125, फाइंड आउट क्या करना है हमें डी एंड ए 10। अब इसमें ना तो ए है हमारे पास ना डी है, तो सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उससे देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। ए 3 की वैल्यू सबसे पहले कितनी है 15, ए 3 का मतलब है ए प्लस 3 माइनस 1 2d विच इज इक्वल्स टू 15। अब ऐसे ही एस 10 है, अब एस 10 की वैल्यू 125। अब देखो एस 10 के लिए जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो ए 10 होगी, और ए 10 की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस 10 का। एस 10 का पहले n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एस 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 125, तो n के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 10 बाय 2 2a प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 डी भी नहीं है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू 125, 25 जा 10। अब इस पूरी वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या बच गया 2a प्लस 10 माइनस 1 90 विच इज इक्वल्स टू 125 बाय में 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2a प्लस 90 इक्वल आ गया 25। अब देखो ये भी a और d में एक इक्वेशन आ गई, ये भी a और d में एक इक्वेशन आ गई, तो दो इक्वेशन आ गई, इसको दे दिया नंबर 1, इसको नेम दे दिया नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सपोज हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें पता है क्या रूल होता है, जो अगर हमें a को एलिमिनेट करना है तो दोनों के कोफिशियंट कैसे होने चाहिए इक्वल, बट यहाँ पे a का कोफिशियंट कितना है 1 और यहाँ पे का कोफिशियंट कितना है 2, तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई। सो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तभी तो 2a में से 2a माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, हमने उसको ख़त्म करना है ना, तो इसलिए जब भी साइन सेम होंगे तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन
टू सेकंड में से उसको माइनस कर देंगे। मतलब इस ओवरऑल इस इक्वेशन को आपने टू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई दोनों साइड से, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड, और इस इक्वेशन में से माइनस। तो पहले सेकंड इक्वेशन राइट कर ली, जिसमें से हमने माइनस करना है वो ऊपर राइट करेंगे। अब इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू की मल्टीप्लाई ए के साथ टू ए, प्लस टू की मल्टीप्लाई टू डी के साथ फोर डी, और फिफ्टीन टू जा थर्टी। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का रूल होता है साइन आर चेंज, सभी साइन को चेंज कर दिया। अब टू ए माइनस टू ए जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। नाइन माइनस फोर फाइव डी। अब प्लस का 25 है, माइनस का 30, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 30 माइनस 25 फाइव, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बिग है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अब, माइनस का 5, 5 डिवाइड में आ जाएगा, डेट इज डी इज इक्वल टू माइनस का 1। आगे वन चीज़ हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ डी, पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे पुट डी इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या क्या थी हमारे पास, ए प्लस 2D इक्वल्स टू 15, ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1 विच इज इक्वल टू 15। तो ए माइनस 2 इक्वल आ गया 15, माइनस 2 है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 17, ए की वैल्यू आ गई 17। हमें क्या निकालना है, ए 10। अब ए 10 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 90, ठीक है। अब ए की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, माइनस का 1, तो 17 माइनस का 9, 9 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस 9, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ए 10 की वैल्यू 8 आ गई। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक डी की वैल्यू माइनस 1, ये दोनों हमारे आंसर हो गए, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब A3 और S10 हमारे पास था, AD कोई वैल्यू नहीं है, तो भी बस आपको जो भी वैल्यू दी हुई है आप सिंपल उसे स्टार्ट कर, आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो भी हमारे पास है। A3 था, हमें पता है A3 को हम ओपन कर सकते हैं, हमने ओपन कर दिया। ऐसे S10 को हमने ओपन कर दिया, इससे ओपन करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। A3 को ओपन करके 1 इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक S10 को ओपन किया तो एक इक्वेशन वहाँ से आ गई। अब दो इक्वेशन आ गई, अब दो इक्वेशन दोनों ए और डी सेम वेरिएबल में है। हमें पता है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अब एलिमिनेशन मेथड से हमने इस दोनों को सॉल्व कर दिया, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब A10 का मतलब होता है ए प्लस 90, डी तो हमारे पास है बट हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, ए किसी भी एक इक्वेशन में हमने डी को पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया 1 इक्वेशन में, डी को पुट करके वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, ए की। बस A10 में ए और डी दोनों की वैल्यू को पुट अप कर दिया, वहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, A10। अब नेक्स्ट पार्ट में डी की वैल्यू 5 गिवन है, S9 है हमारे पास 75, फाइंड आउट क्या करना है, ए एंड A9, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चलते हैं, S9 कितना है हमारे पास 75, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब S9 मतलब n के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, 9 इक्वल्स टू n बाय 2 मतलब 9 बाय 2 2a, a की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ये हो गया S9, और S9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। अब 9 बाय 2 है, जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मतलब 2 बाय 9,
डिवाइड वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला 9 इधर आके डिवाइड में। तो अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 फाइव जा 40। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 की टेबल पे कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। तो 2a प्लस 40 इक्वल आ गया 25 2 जा 50 बाय में 3। अब प्लस का 40 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40। अब एलसीएम कितना आ गया 3, 50 माइनस 40 3 जा 120। ठीक है, तो 50 माइनस 120 कितना आएगा, माइनस का 70 बाय में 3। ये किसकी वैल्यू आई है, 2a की, बट हमें किसकी निकालनी है, a 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कट कर देंगे कितना आ गया 35, तो माइनस का 35 बाय में 3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 35 बाय 3 एक वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, a9 का मतलब a प्लस 8d, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 35 बाय में 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5, तो d की वैल्यू 5 पुट कर दी, माइनस का 35 बाय में 3 प्लस 8 5 जा 40। अब एलसीएम इज 3, माइनस का 35 प्लस सेम 120 आ गया। अब 120 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 में 5 गए 5, अब 11 में से 3 गए 85 बाय में 3, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 120 भीग गया और 120 का कौन सा साइन है प्लस, 85 बाय 3 ये किसकी वैल्यू आ गई, a9 की। तो ये हमारी सेकंड वैल्यू, a और a9 की निकालनी थी, s9 गिवन है, d है, s9 के फॉर्मूले में उसे अप्लाई कर दिया, वहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a की, बस a9 निकालना है, a प्लस 8d, d हमारे पास गिवन है, a हमने फाइंड किया है, तो दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट अप करके वहां से a9 की वैल्यू आ गई। नाउ सिक्स्थ पार्ट, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 और sn कितना गिवन है 19, फाइंड आउट करना है हमें n और an। तो सबसे पहले sn की वैल्यू 90 है, sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sn इज इक्वल टू 90 n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, 90 के इक्वल है, इसका मतलब n का, n की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो n का क्या रहेगा, n ही बाय में 2, 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू नहीं है हमारे पास n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है 8। अब ये किसके इक्वल आ गया 90 के, ठीक है। अब 2 इधर डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, n इंटू 2 टू जा 4 प्लस n माइनस 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 की तो 8 की n के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और 1 के साथ भी, तो 8 की n के साथ 8n माइनस 8 1 जा 8। अब 2 इधर डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया 9 2 जा 18, तो 180 आ गया। अब इस n की सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8n एज इट इज 4 माइनस 8 माइनस का 4 विच इज इक्वल्स टू 180। अब 8n की n के साथ 8n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 180 इधर आके क्या हो गया माइनस 180, इधर क्या बच गया 0। अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 4 2 जा 8 2n स्क्वायर, 4 बाहर आ गया 4 1 जा 4 4 4 जा 16 कैरी टू 4 5 जा 25। जब दोनों साइड से हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर आप दोनों साइड से कॉमन नहीं लोगे आप यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, बस उसके बाद 4 इधर आके डिवाइड में जाएगा, 0 बाय 4 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप दोनों साइड से कॉमन लेते हैं तो वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने आते हैं हमें, कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये 45 और ये 2, 45 2 जा 90, ठीक है, और साइन कौन सा है माइनस, बीच में क्या है n का कोफिशियन माइनस का 1, मतलब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए,
ठीक है, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1। तो हम ले लेते हैं 10 और 9, 10 9 जा 90, 10 माइनस 1 1। अब 2n स्क्वायर, तो n के प्लेस पर रिप्लेस कर दिया हमने 10n और 9n, माइनस 45। अब कौन सी वैल्यू प्लस की आएगी, कौन सी माइनस की, वो कैसे देखेंगे। अब माइनस का n है मतलब हमें माइनस 1 चाहिए, तो जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, छोटे वाली वैल्यू प्लस। अब आप देख भी सकते हो माइनस का 10 प्लस 9 माइनस का 1 आएगा, माइनस 10 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी बीच में माइनस होगा तो क्या करेंगे, जो भी दो फैक्टर आए हैं उसमें से बड़े वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी और छोटे वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये फैक्टर बन गए। अब क्या करते हैं, पेयरिंग, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट टू में से पेयर बना देते हैं हम, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2, 2 और 10 दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, इसमें n स्क्वायर है, इसमें n मतलब इसमें 2n है, इसमें 1n, तो 1n भी कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2 तो बाहर ले लिया, 1n बाहर रह गया तो कितने n रह गए अंदर, 1, माइनस 2 के टेबल में 10, 5 पे n तो बाहर आ गया, n माइनस 5। अब दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 9, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 9 बार आ गया, बच गया n, माइनस 9 5 45। ये फैक्टर, अगर हमेशा ये वैल्यू सेम आ गई तो आपके फैक्टर्स करेक्ट हैं, अदरवाइज रॉन्ग है। तो n माइनस 5 जो सेम से मैं उसको राइट कर लिया, नेक्स्ट क्या बचा, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आइदर n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या फिर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 9 इधर आके माइनस और ये डिवाइड, और हमें पता है n कभी भी ना तो नेगेटिव होता है ना ही रैशनल नंबर, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड एज n कांट बी नेगेटिव, n कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, n। अब क्या निकालना है, an, क्या निकालना है अब हमें, an, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n की वैल्यू कितनी है, 5, a प्लस n माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2, और d की वैल्यू कितनी है, 8, a के प्लेस पर 2 रख दिया, n के प्लेस पर 5, माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 8, तो 2 प्लस 5 माइनस 1, 4, 4, 8 जा 32, तो 34 किसकी वैल्यू आ गई, A5 मतलब AN, एक N की वैल्यू निकालनी थी वो 5 आ गई, A5 की आ गई 34। तो बस जब भी आपको SN गिवन हो, SN की हेल्प से जब भी हमें N निकालना होगा तो हमेशा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर N की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू हमेशा रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई, N की वैल्यू 5, तो नेक्स्ट AN फाइंड आउट करना था, वो हमने एन फॉर्मूला पे लगा दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए और डी हमारे पास ऑलरेडी थे, तो ऐसे ए फाइव कितना आ गया, 34। नेक्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 8 गिवन है, ए एन 62, एस एन 210, फाइंड आउट क्या करना है, एन और डी, ठीक है। अब एक चीज देखो, एस एन के लिए लास्ट टर्म कौन सी होगी, ए एन, वो हमारे पास है, तो अगर हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करें, एस एन कितने हमारे पास, 210, n by 2 a plus last term, तो यहाँ पे जो last term है हमारी वो कितनी हो जाएगी, a n, that is equals to 62, ठीक है। तो n की value हमारे को निकालनी है, तो n by 2 a की value कितनी है, 8 plus last term कितनी है हमारे पास, 62 equals to 210। अब n by 2 into 62 plus 8 कितना हो गया, 70, 210 कट कर दो, कितना आ गया, 35। n की वैल्यू निकालनी है, 200 by में 35, बस अब 35 से इसको डिवाइड कर, सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6, कट करके 35 से 6 कितना होता है, 210, n आ गया 6, आ गई एक वैल्यू। अब निकालना है d, हम ए एन से निकाल सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला, पहले ए एन की वैल्यू है 62, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
विच इज इक्वल टू 62। अब a की वैल्यू हमारे पास है 8, n की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 6, 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और 6 माइनस 1 5d, 62 माइनस 8, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54 बाय में 5, तो d कितना आ गया 54 बाय 5, n कितना आ गया 6, दोनों हमारी वैल्यूज आ गई। बस Sn इससे आपको इजी बढ़ गया क्योंकि हमें d की वैल्यू की नीड नहीं थी। अगर आप Sn में इसमें अब दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उससे आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, उससे आपकी n और d में दो इक्वेशन बन जाएगी, एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक यहाँ से, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए Sn के केस में हमें an हमारी लास्ट टर्म होगी, तो डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि उसमें हमें d की नीड नहीं होती। तो हमारा वहां से डायरेक्टली n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू फिर हमने an में पुट कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट में an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2, sn माइनस 14, फाइंड आउट क्या करना है हमें n और a। तो अब an कितना है 4 और sn कितना है माइनस का 14। अब इस केस में जो sn के केस में जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, an हो जाएगी। तो इस केस में जो हमारी लास्ट टर्म है वो है an, डेट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाय 2 a प्लस l विच इज इक्वल्स टू माइनस का 14, 2 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, और l की वैल्यू कितनी है 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 14 मल्टीप्लाई इधर आके 2, n इंटू a प्लस 4 किसके इक्वल आ गया माइनस का 28। अब यहाँ से अगर an ओपन करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो गया 4, a की निकालनी है हमें वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अब a प्लस 2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 इधर आके प्लस हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया हमारे पास यहाँ से। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस का 2n, और ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 नेम दे दिया इसको, तो इन इक्वेशन 1। अब a की वैल्यू 6 माइनस 2n है, n एज इट इज, ए के प्लेस पर क्या पुट कर दिया हमने 6 माइनस का 2n प्लस का 4 विच इज इक्वल टू माइनस का 28, n 6 प्लस 4 10 माइनस का 2n किसके इक्वल आ गया माइनस का 28, मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस का 2n का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस का 28। अब सभी को इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 2n स्क्वेयर राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 2n स्क्वेयर, प्लस 10 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस 28 ऑलरेडी वहीं पर है इक्वल्स टू 0। सेम अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 0 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब इसमें भी यहाँ पे 1 है 14 1 जा 14, मतलब ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 5, वो क्या होंगे 7 और 2, 7 में से 2 गए 5, 7 टू जा 14, तो n स्क्वायर, और ये माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7n प्लस का 2n हो गया ना माइनस का 5, 7 टू जा 14 भी होगा। अब सेम 2 2 की पेयरिंग, n माइनस 7 प्लस का 2 n माइनस का 7, क्योंकि 2 के टेबल में n 14 कितने पे आएगा 7 पे, और 2 तो बाहर आ गया, बच गया कितना n, तो जो सेम है वो ले लिया एक साथ और n प्लस 2। अब यहाँ से एक तो n माइनस 7 0 के इक्वल आ गया और n प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 0, n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू माइनस 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड बिकॉज n कांट बी नेगेटिव। तो n इज इक्वल टू 7 हमारा क्या आ गया आंसर, n की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, तो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2,
ए स्क्वायर टू सिक्स माइनस का टू एन, सिक्स माइनस टू इंटू एन की वैल्यू कितनी आई है माइनस का, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है सेवन, पुट कर दी, सिक्स माइनस का फोर्टीन माइनस का एट, ए कितना आ गया माइनस का एट, एन आ गया सेवन, दीज आर आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू और एस, एस मतलब सम है एस एन 192, क्या फाइंड आउट करना है डी, तो एस एन 192 है, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास है एट, एट बाई टू, ए की वैल्यू थ्री, एन की वैल्यू एट माइनस वन, डी हमें फाइंड आउट करना है 192, अब टू फोर ज़ा एट तो फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस एट माइनस वन सेवन डी 192, अब फोर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सिक्स प्लस सेवन डी 192 बाय में फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर एट ज़ा 32, ठीक है, अब प्लस का सिक्स इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का सिक्स, कितना आ गया 42, तो डी की वैल्यू सेवन मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सेवन सिक्स जा 42, तो डी इज इक्वल्स टू सिक्स, ये हमारा एक आंसर आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, आपके पास एल की वैल्यू 28, एस 144, टोटल नाइन टर्म्स है, एल मतलब लास्ट टर्म हमारे पास है 28, दैट इज एल मतलब ए एन 28 है, और इन्होंने बोला है कि टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है 9, मतलब एन की वैल्यू है 9, तो लास्ट टर्म मतलब ए 9 हमारे पास है 28, और एस ई एस एन 144 मतलब एस 9 इज इक्वल्स टू 144, फाइंड आउट क्या करना है हमें ए, तो बस एस 9 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं हम, एस एन की वैल्यू है 144, एन बाय टू ए प्लस ए एन मतलब कि लास्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 144, यहाँ पे आप एल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अब एन, एन की वैल्यू कितनी है 9/2, ए का मतलब कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू तो निकालनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 28 विच इज इक्वल्स टू 144, अब ए प्लस 28 144, अब 9/2 यहाँ की इसका रेसिप्रोकल 2/9, अब 9 की टेबल पे कट कर दो, 9 1 9 कैरी 5 54, 9 6 54 मतलब 32, ए की वैल्यू कितनी आ गई 32 प्लस 28 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 32 माइनस 28 4, ठीक है, एल मतलब ए एन गिवन है, एस मतलब एस एन और एन की वैल्यू है 9, तो डैट मीन्स ए 9 और एस 9 की वैल्यू हमारे पास है, तो बस लास्ट टर्म वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वहां से हमारी किसकी वैल्यू आ गई ए, ए इज इक्वल्स टू 4, डैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज कंप्लीट।